नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आइए नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी राशिद खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक सवाल जवाब सेशन रखा, जिनमें उनके फैंस ने उनसे ढेरों सवाल किए। इन्हीं में से किसी फैन ने उन्हें धोनी और कोहली को एक शब्द में बयां करने के लिए कहा, जिसके जवाब में राशिद खान ने कहा कि धोनी को एक शब्द में बयां करना बेहद मुश्किल है। कोहली को उन्होंने किंग बताया, साथ ही साथ युवराज सिंह को उन्होंने छक्कों का बादशाह बताया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में चुने जाने के लिए 22 वर्षीय आजम खान ने 12 महीने में अपना 30 किलो वजन घटाया है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोइन खान के बेटे आजम खान को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में चुना गया है। आपको बता दें दोस्तों कि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए उनका चयन पाकिस्तानी टीम में हुआ है। चयनकर्ताओं ने उनके चयन के बाद उन्हें कहा था कि वे अपना वजन घटाएं, जिसके बाद से उन्होंने 12 महीने में लगभग 30 किलोग्राम वजन कम किया। ओलंपिक टिकट हासिल करने वाले 28 वर्षीय भारतीय पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले 28 वर्षीय भारतीय पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं और उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर के मुताबिक 10 जून को सुमित के बी सैंपल की जांच की जाएगी और उसके बाद ही उनकी सुनवाई शुरू होगी। कोविड-19 से संक्रमित पाए गए पूर्व भारतीय धावक मिल्खा सिंह का ऑक्सीजन स्तर कम होने पर उन्हें एक बार फिर ICU में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर मिल्खा सिंह से उनका हालचाल पूछा है और अभी उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है और उनकी तुलना विराट कोहली से किए जाने पर उन्हें गर्व महसूस होता है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि ये तुलना होनी चाहिए, मेरा लक्ष्य उनके जैसा प्रदर्शन करना है और अपनी टीम को मैच जिताने में मदद करना है, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली से मेरी तुलना करना मेरे लिए गर्व का विषय है। खेलों से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।